हम बात कर रहे हैं महाकाव्य महाभारत के अलग अलग पात्रों की और उनकी भूमिकाओं की। महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जिसका हर एक पात्र अपने आप में इतनी शक्ति रखता है कि आप खुद को उनकी तरफ खींचने से रोक नहीं सकते, चाहे वह भीम का बल हो या अर्जुन की धनुर्विद्या, कर्ण की दानवीरता हो या दुर्योधन का हठ, शाकुनी की चपलता हो या भीष्म की प्रतिज्ञा। आपको हर पात्र में कुछ ऐसा जरूर मिलता है जो आपको एक बार अपनी तरफ सम्मोहित कर ही लेता है। आज हम महाभारत के एक ऐसे ही पात्र की बात करेंगे। आज हम एक ऐसे वीर की बात करेंगे जिसका जीवन काल तो यहां पर मौजूद तमाम वीरों से कम था, ना वह उम्र में उनसे ज्यादा था और न ही उनसे ज्यादा उसने जीवन को अनुभव किया था। परंतु इस 18 दिवसीय महाकुंभ महाभारत में 13वां दिन उसके नाम रहा था। जिस महाभारत में लाखों वीर मारे गए, जिस महाभारत में महारथियों के अनगिनत शव गिरे, उस महाभारत में एक दिन को अपने नाम करने में कामयाब रहे वीर अभिमन्यु। वीरता बुद्धिमानी और पौरुष का एक महान उदाहरण है महाभारत युग का वीर वीर अभिमन्यु, जिसे अर्जुन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों में सबसे कुशल और आकर्षक इंद्रदेव द्वारा कुंती को वरदान में दिए गए अर्जुन को समस्त संसार उनके धनुर्धारी कौशल के लिए जानता है। अर्जुन की तरह ही उनका पुत्र भी उनकी छाया लेकर पैदा हुआ था। बचपन से ही अपने माता पिता और अन्य पांडु भाइयों का आदर करने वाला अभिमन्यु श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा और अर्जुन की संतान था। अभिमन्यु का बचपन कृष्ण की नगरी द्वारिका में ही बीता, जहां श्री कृष्ण जी के संरक्षण में उसने हर तरह का योग्य ज्ञान हासिल किया। शास्त्रों का ज्ञान उसे आरंभिक चरण में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न द्वारा दिया गया था। बाद में अर्जुन ने अपने पुत्र को धनुष विद्या में कुशल बनाया। कहते हैं कि न केवल अपने जीवन के दौरान बल्कि संसार में आने से पहले ही अभिमन्यु ने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में युद्ध का ज्ञान हासिल कर लिया था। यह बात तब की है जब अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदने की तकनीक समझा रहे थे। उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में था और उनकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में जाने, उसके सारे व्यूह भेदने और अंत में वहां से बाहर कैसे आना है उसकी कला बता रहे थे। अर्जुन एक के बाद एक सुभद्रा को व्यूह में प्रवेश करने और शत्रुओं को कैसे पराजित किया जाए उसका वर्णन कर रहे थे। अर्जुन द्वारा सुभद्रा को चक्रव्यूह, मकरव्यूह, कर्मव्यूह और सर्पव्यूह की जानकारी दी गई। यह सब पार करने के बाद किस तरह से चक्रव्यूह से बाहर आया जा सकता है यह अर्जुन बताने ही वाले थे कि उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सुभद्रा सो गई है। सुभद्रा को सोता हुआ देख अर्जुन ने उन्हें आगे परेशान करना ठीक नहीं समझा और वह कहानी अधूरी छोड़कर वहां से चले गए। इस प्रकार से अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के बहुत से राज जान तो लिए, लेकिन अंतिम और बेहद महत्वपूर्ण तरीका वह जान न सका। पूरे महाभारत काल में अर्जुन के बाद यदि कोई चक्रव्यूह में जाने का साहस कर सकता था तो वह केवल अभिमन्यु था। गुरु द्रोण ने यह कला केवल अर्जुन को ही सिखाई थी। उन्होंने खुद अपने पुत्र को भी चक्रव्यूह भेदने की कला नहीं सिखाई थी। अभिमन्यु अपने पिता की तरह ही चक्रव्यूह में प्रवेश करना जानता था, अपितु वहां से बाहर कैसे आया जाए यह वह नहीं जानता था, जिसका लाभ शत्रुओं ने उठाया। शास्त्र विद्या के अलावा यदि अभिमन्यु के शेष जीवन पर गौर किया जाए तो वह भी काफी रोचक था। अभिमन्यु हमेशा अपनों से बड़ों का आदर करता और श्री कृष्ण की हर आज्ञा का पालन भी करता।
एक पौराणिक कथा के अनुसार अभिमन्यु के पिता अर्जुन ने उनकी माता सुभद्रा को द्वारका से भगाकर विवाह किया था, यानी उन्होंने गंधर्व विवाह किया था। सुभद्रा ने ज्येष्ठ भ्राता बलराम की मनस्थिति को जान लिया था। बलराम उसका विवाह कौरवों के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण की योजना तो कुछ और ही थी। उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा को चोरी छिपे ले जाने का इशारा कर दिया और वह दोनों ऐसा करने में सफल भी हुए। एक पीढ़ी पश्चात जब बलराम की पुत्री वत्सला पैदा हुई तो उन्होंने इसका विवाह दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण से करने का फैसला किया। यह बात जब श्री कृष्ण को पता लगी तो उन्होंने बरसों पहले अपनाई गई उस योजना को दोहराने का निश्चय किया। उन्होंने अभिमन्यु को घटोत्कच की मदद लेने को कहा। घटोत्कच ने आज्ञा अनुसार वत्सला का हरण किया और अंत में अभिमन्यु और वत्सला का विवाह हुआ। अभिमन्यु का कौशल सभी ने कुरुक्षेत्र के युद्ध के 13वें दिन देखा, जब अभिमन्यु एक के बाद एक कौरवों के महारथियों को पराजित कर रहे थे। कौरव सेना भयभीत हो गई। वह समझ नहीं पा रहे थे कि किस प्रकार से अभिमन्यु को रोका जाए। कहते हैं कि अभिमन्यु द्वंद युद्ध में इतने माहिर थे कि कौरवों में शायद ही कोई ऐसा योद्धा हो जो उसे पराजित कर सके। इसलिए उन्हें पराजित करने के लिए कौरवों ने छल का सहारा लिया। गुरु द्रोण द्वारा पांडवों को हराने के लिए चक्रव्यूह की रचना की गई थी, जिसके तहत वो युधिष्ठिर को बंदी बनाना चाहते थे। वे जानते थे कि चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल अर्जुन को आती है, लेकिन अर्जुन पुत्र की क्षमता से गुरु द्रोण भी अनजान थे। गुरु द्रोण द्वारा चक्रव्यूह रचा गया, परंतु उस दिन शायद पांडवों का भाग्य उनके साथ नहीं था। गुरु द्रोण ने पांडवों को सबके सामने चक्रव्यूह भेदने की चुनौती दे डाली। उस समय किसी कारणवश अर्जुन लड़ते लड़ते रण क्षेत्र से काफी दूर चले गए थे। वे इस बात से अनजान थे कि गुरु द्रोण द्वारा चक्रव्यूह रचा जा रहा है। अर्जुन की अनुपस्थिति में गुरु द्रोणाचार्य ने एक विशाल चक्रव्यूह की रचना की। चक्रव्यूह की रचना जैसे ही युधिष्ठिर को मिली, उन्होंने अर्जुन को बुलावा भेजा। लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा कि अर्जुन युद्ध के मैदान में लड़ते हुए कहीं दूर पहुंच चुके हैं और अब शायद वो शाम तक वापस नहीं लौट पाएंगे, तो युधिष्ठिर की माथे की लकीरें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, जिन्हें देखकर अभिमन्यु ने उनसे चिंता का कारण पूछा। कारण जानकर अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को तोड़ने की इजाजत मांगी। इस चक्रव्यूह को यदि अर्जुन के बाद कोई भेद सकता था तो वह था उनका पुत्र अभिमन्यु। तब शेष पांडवों ने यह योजना बनाई कि अब वे पीछे नहीं हट सकते, लेकिन अभिमन्यु को सहारा देने के लिए चक्रव्यूह के भीतर जाएंगे। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह भेदने के लिए उसमें प्रवेश कर गए। चक्रव्यूह में प्रवेश करने के बाद अभिमन्यु ने कुशलता पूर्वक चक्रव्यूह के 6 चरण भेद लिए, परंतु उनकी सहायता के लिए उनके साथ गए भीम को जयद्रथ ने रोके रखा। इसके दौरान अभिमन्यु द्वारा दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण का वध किया गया। अपने पुत्र को मृत देख दुर्योधन के क्रोध की कोई सीमा न रही। तब कौरवों ने युद्ध के सारे नियम भुलाकर ऐसा कदम उठाया जो इतिहास में कभी नहीं लिया गया। 6 चरण पार करने के बाद अभिमन्यु जैसे ही 7वें और आखिरी चरण पर पहुंचा तो उसे दुर्योधन, जयद्रथ आदि 7 महारथियों ने घेर लिया। अपने सामने इतने सारे महारथी देखकर भी अभिमन्यु ने साहस नहीं छोड़ा। उन्होंने अभिमन्यु के रथ को घेर लिया और उसके घोड़ों को मार गिराया। अब अभिमन्यु का रथ टूट चुका था, फिर भी अपनी रक्षा के लिए अभिमन्यु ने अपने रथ के पहियों को अपने ऊपर सुरक्षा कवच बनाते हुए रख लिया और दाएं हाथ से तलवारबाजी करता रहा।
कुछ देर बाद अभिमन्यु की तलवार भी टूट गई और साथ ही कौरवों द्वारा उसके रथ का पहिया भी चकनाचूर कर दिया गया। इसके बाद भी अभिमन्यु अपने बल से लड़ता रहा और प्रहार करता रहा और सहता रहा, किंतु तभी जयद्रथ ने पीछे से निहत्थे अभिमन्यु पर जोरदार प्रहार किया। उस वार की मार को अभिमन्यु सह न सका और वीरगति को प्राप्त हो गया। अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार जब अर्जुन को मिला तो वह बेहद क्रोधित और दुखी हो उठे और अपने पुत्र की मृत्यु के लिए शत्रुओं का सर्वनाश करने का फैसला लिया और साथ ही प्रतिज्ञा की कि वो कल का सूर्यास्त जयद्रथ को नहीं देखने देंगे। परंतु तब तक अभिमन्यु महाभारत के इतिहास का एक सुनहरा पन्ना लिख चुके थे। 18 दिन के इस महायुद्ध में एक दिन वह अपने नाम कर चुके थे। आशा करता हूं यह वीर गाथा आपको पसंद आई होगी। मैं जानता हूं कि इस महाकाव्य के अंदर बहुत सारे पात्र हैं और हर पात्र अपने आप में अनोखा है, जिसके बारे में जितना जाना जाए उतना कम है। अगर हम हर पात्र के बारे में विस्तार से बात करेंगे तो शायद सालों गुजर जाएंगे, लेकिन यह महाकाव्य खत्म नहीं होगा। अभी इस वीरगाथा को हम यहीं पर विराम देते हैं और एक बार फिर से आपके सामने होंगे एक और ऐसे ही पात्र की कहानी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार। ऐसी ही अन्य वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शब्दबाण को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।